We think that the best way to investigate multi-billion, billion, billion rupee scams in India is by organizing a game of treasure hunt in the PMO. You might be pleasantly surprised with the kind of things you might end up finding under Manuji's chair. So stop watching Fashion TV in mute mode right now and get your ass on the next train to Delhi via G. Go ahead. Jai Hind. Hello guys, welcome to Jai Hind. भाइयों, बहनों, दोस्तों और वसंत डोबड़े जी, जय हिंद पर आप सबका हार्दिक स्वागत है. हाँ डोबड़े जी, आपका भी. आज के एपिसोड में है एक मुलाकात मेरी मम्मी, मेरे डैडी और बीवी के साथ. यस, आज हम करेंगे पूरा धमाल, फुल मिडिल क्लास स्टाइल. पिछले कुछ दिनों से मैं जहां भी जाता हूं वहां लोग सिर्फ एक ही टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं. चलो गेस कीजिए वो क्या टॉपिक है. अगर आपने गेस किया कि लोग अन्ना हजारे के कछुआ छाप प्रमोट करने के फैसले के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, देन सॉरी, आपने गलत गेस किया. लोग एंडेंजर्ड स्पीशीज को लेकर पागल हो रहे हैं, खास करके टाइगर्स. यस, स्पेसिफिकली एक था टाइगर. और क्यों नहीं, सलमान खान की नई फिल्म ने अब तक 300 करोड़ जो कमाए हैं. बाय द वे, ध्यान दीजिए, मैं अब तक कह रहा हूँ, शायद आपके सुनते सुनते 1000 करोड़ भी कमा सकती है. ये सुनकर जायद खान ने फिर भगवान को कोसा होगा, क्या यार ऑलरेडी 300 करोड़, सी मेरी फिल्म तो यार 300 रुपये भी नहीं कमाए. इंडस्ट्री वालों का कहना है कि कतरीना और सलमान एक्चुअली फिर से एक दूसरे को चाहने लगे हैं. हाँ, और सेलिब्रेट करने वो वेकेशन पर निकल गए. वहाँ उन्हें डायरेक्टर कबीर खान एक कैमरा के साथ खेलते हुए अचानक मिले और तीनों ने सोचा कि चलो जब फुटेज है तो रिलीज ही कर देते हैं. सलमान का फुटेज है तो ईद के टाइम लोग देख ही लेंगे, सबूत आपके सामने. सलमान के फैंस को इस बात से बेहद खुशी थी क्योंकि उन्हें इस बार काफ़ी सारे फॉरेन लोकेशंस देखने को मिली. हाँ, उनकी पिछली फिल्म बॉडीगार्ड की तरह नहीं, जो सल्लू भाई की पनवेल वाली फार्म हाउस में शूट की गई थी, इस बार फॉरेन. बॉडीगार्ड की शूटिंग के दौरान सलमान के फार्म वाले गाय भैंस अक्सर फ्रेम में आकर कास्ट और क्रू का बुरा हाल कर दिया. इसीलिए उन्होंने एक भैंस को कॉमेडी के नाम पर फिल्म में रहने भी दिया और उसे कुछ डायलॉग्स भी दिए. जी हाँ, ये भैंस वही है जो एक सीन में वॉल्वो के पीछे भागते हुए ए टप्परवेयर टप्परवेयर चिल्लाते हुए नजर आई है. सल्लू भाई अपने करीबी दोस्तों का ही नहीं बल्कि अपने करीबी पशुओं का भी कितना ख्याल रखते हैं. क्या आपने कभी सोचा है कि सल्लू भाई की फिल्म इतनी सक्सेसफुल क्यों होती है? मैं ये सोचता रहता हूँ और आज इनफैक्ट मेरे बिल्डिंग के चौकीदार ने मुझे फाइनली जवाब दे दिया. उनका कहना है कि सल्लू भाई की पिक्चर की स्टोरी है ना हमेशा सबसे वो ना गिनोनी टाइप्स होती है, ऐसा वो कह रहा है. मैं और ये देखकर पब्लिक को लगता है कि कोई भी चुतिया स्क्रिप्ट राइटर बन सकता है और इसीलिए पब्लिक हमेशा सलमान भाई की फिल्म लगातार देखती रहती है, अपने राइटर बनने के ख्वाबों को जिंदा रख रही है. वाह, क्या क्या बात है सल्लू भाई, क्या बात. अब आ गई पब्लिक सर्विस में नंबर वन. चलिए हम देखते हैं कि एक था टाइगर का ऑडियंस रिस्पॉन्स कैसा रहा. आइए. भाई साहब आपने फिल्म देखी है ना भाई साहब, एक था टाइगर? हाँ देखी. क्यों भाई साहब, हम दर्शकों को बताएंगे कुछ. भाई साहब, हमारे दर्शकों को बताएंगे कि आपको आपको फिल्म कैसी लगी है एक था टाइगर? सर कैसी लगी मतलब? अबे इतने बड़े बड़े पोस्टर देख रहे हो? हाँ, ये जानते हो किसके? हाँ, जानते हो किसके हैं? एक था टाइगर के हैं सर. अबे सलमान भाई के. ओ, सलमान भाई. ठीक है ठीक है, तो मतलब आपको फिल्म पसंद आई है? अबे सलमान जानता कौन है? अबे जानता है सलमान कौन है? इंडस्ट्री का बाप है, बाप. अच्छा, फिल्म तो पसंद आनी थी ना. ओके, पिक्चर कैसी लगी? अरे
हाँ हेलो भाई साहब, जरा भाई साहब एक मिनट। हाँ आपने फिल्म देखी ना भाई साहब, एक था टाइगर ये। हाँ हाँ अच्छा तो कैसी लगी भाई साहब आपको? अरे ये भी कोई पूछने वाली बात है? एक भाई की फिल्म है, भाई की। एक मिनट भाई साहब थोड़ा नीचे हो जाए, लंबे लंबे होते हैं आप। सलमान भाई की फिल्म है, भाई की फिल्म है यार। कैन यू आस्क, आपको बहुत पसंद आई ना फिल्म? अरे 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 मैं इटालियन बोल रहा हूँ क्या? मैं इटालियन बोल रहा हूँ क्या? नहीं 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 नहीं, पिक्चर सुपर हिट है, इट्स अ बिग हिट। अच्छा अच्छा, इट्स अ बिग हिट सर, 200 करोड़। कैमरे पे मत, अरे कैमरे पे मत चढ़ भाई, इसमें देख के बोलना पागल हो गया क्या? ऐसा क्या दिखा रहे हैं भाई फिल्म के अंदर? वो मैडम से पूछता है, मैडम एक्सक्यूज मी मैडम, हाँ जरा इधर आएंगे, इधर हल्का सा। हाँ मैडम, आई वॉन्ट टू आस्क, कैन यू टेल अवर व्यूअर्स वॉट यू थिंक ऑफ दिस मूवी एक था टाइगर? Yeah, yeah. Mm. Thank you. Thank you. नहीं नहीं, I want to know you have seen film एक था टाइगर? You this? Yes, yes. एक था टाइगर. एक था टाइगर. So what you think of the movie? Nah. This film. What yes. Yeah. Thank you. इंग्लिश में हाथ तंग लगता है इसका। मैडम मैडम मैं एक्चुअल में ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो आपने फिल्म इधर इधर देखो, इधर मेरे को मत देखो, इसमें देखो। ये जो फिल्म आपने देखी है ना, ये क्या नाम है इसका, एक था टाइगर? हाँ है ना, है ना? हाँ जी, हाँ जी। इसके बारे में आपका क्या कहना है? कैसी इधर इसमें इसमें देखो। हाँ जी। कैसी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी, क्या विचार है आपके? जी सलमान की फिल्म है, पसंद तो आएगी ही आएगी। हाय उसकी बॉडी, हाय उसके टोले यार, वो कटरीना है ही ऐसी, पता नहीं उसको कैसे रिजेक्ट कर सकती है। कटरीना पे थी मेरी एयरिंग्स तो आ रही है, और ये सब कुछ आ रहा है, बिंदी भी आ रही है। हाँ, तो मैं पता नहीं उसको कैसे रिजेक्ट कर सकती है। हाँ। मुझे तो पूरी फिल्म उस बेचारी को सहना पड़ा, आई तो डिडंट लाइक इट एट ऑल। आपको लेना चाहिए था ना फिल्म के अंदर। जी लोगों ने कहा है, मेरी कॉलोनी में काफी लड़के कहते हैं कि एक्चुअली आप क्यों नहीं ट्राई करते पम्मी जी, लेकिन वो तो बस सब भगवान जी। आप दिखने में लगते ही ऐसे हो कि आपको कुछ ट्राई करने की जरूरत नहीं पड़ती होगी जिंदगी के अंदर। जी स्टॉप इट जी। मतलब आप इसको इस साल की बेस्ट फिल्म कह सकते हो, है ना? इस साल की कोई टेंशन नहीं है, ये ना सलमान की सबसे बेस्ट फिल्म थी। मैडम या तो आप कैमरे में देख लो या मुझे देख लो। हाँ जी, ये ना सलमान की सबसे बेस्ट फिल्म थी। अच्छा 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 अच्छा। नंबर वन। 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 एक था टाइगर। नंबर वन। रा वन। एक है टाइगर। एक और दे दो। और कुछ सुनना बाकी है? एक्चुअली शाहरुख ने रावण में सलमान को कास्ट किया होता ना, तो मैं जो वो भी चल जाती। स्क्रिप्ट तो आया थी, सलमान भी आया, सुपर डुपर हिट। फिर ओके, बस अभी आता हूँ विद सम रियली वियर्ड न्यूज फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। स्टे ऑन। जय हिंद। महीने में कम से कम एक बार वो दिन जरूर आता है जब हम अपने आप से यही पूछते हैं कि क्या वाकई दुनिया पागल है या सिर्फ हम। घबराइए मत, ये एक सेगमेंट है जहां हम आपके साथ दुनिया के वाकई पागल लोगों के बारे में कुछ खबरें शेयर करेंगे ताकि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ सके। पहले चलते हैं अमेरिका की ओर। इंडियाना स्टेट के रहने वाले मिस्टर वॉलेस को शौक लगा जब वो अपनी वीकली फिशिंग ट्रिप के दौरान एक क्रोकोडाइल से मिले और उन्हें उस क्रोकोडाइल को कुछ खिलाने का आइडिया आया। उनका बचा हुआ फिश सैंडविच क्रोकोडाइल जनाब को पसंद आएगा। हाँ, ये सोचकर सैंडविच को क्रोकोडाइल की दिशा में फेंकने वाले थे कि जब भूखे क्रोकोडाइल ने सैंडविच के साथ साथ उनका बायां हाथ भी खा डाला। इतना ही नहीं,
वापस वो किनारे पर पहुंचते ही वॉलेस जी मेडिकल सेंटर ढूंढने लगे और वो दो मरीन ऑफिसर से टकरा गए। दवाइयां फर्स्ट एड किट देने के बजाय उन्होंने मिस्टर वॉलेस को $3,000 का फाइन भरने को कहा और उन्हें क्रोकोडाइल को खिलाने के जुर्म में अरेस्ट भी किया। क्या अमेरिका की पुलिस फोर्स इतनी ईमानदार है? जहां पुलिस ऑफिसर को कुछ खिलाना तो दूर, उनके होते हुए किसी मगरमच्छ को भी कुछ कोई खिला नहीं सकता। खैर, एक बात तो पक्की है, मिस्टर वॉलेस कोर्ट में ये हरगिज नहीं कह सकते कि इस मामले में उनका कोई हाथ नहीं है। अमेरिका के ही एरिजोना स्टेट में पीटीए मीटिंग्स यानी कि पेरेंट टीचर एसोसिएशन में दो लड़कियों के पिता एक दूसरे से लड़ने लगे। क्यों? उन दोनों को यह साबित करना था कि उनकी बेटी क्लास में सबसे ज्यादा होशियार थी। पर असली होशियारी का काम तो एक पिता ने तब किया जब उन्होंने इस झगड़े को हमेशा के लिए खत्म किया, दूसरी लड़की के पिता के ऊपर अपनी गाड़ी चला गया। इससे पता चलता है कि दुनिया में हर जगह हर आदमी के अंदर एक दिल्ली वाला बैठा है, एकदम मस्त खा पी के बैठा है, एनी टाइम हाला बाहर नहीं आ सकता। वॉशिंगटन के सेट हॉर्विड्स साहब ने amazon.com से एक 39-inch LCD टीवी ऑर्डर किया और amazon.com ने हॉविजर साहब को टीवी की जगह एक सेमी ऑटोमेटिक असॉल्ट राइफल भेज दी। एक ऐसी राइफल जो सिर्फ USA की मिलिट्री यूज करती है जंग लड़ने के वक्त। नो दैट इज पोएटिक। बेसिकली Amazon का हिडन मैसेज है कि साले टीवी देखने से अच्छा है मर ही जाऊंगा। पर मानना पड़ेगा US को, क्या डिलीवरी सिस्टम है US में, है ना? यहाँ पर मैकडोनल्ड से खाना सही सलामत मिल जाए उतना ही काफी है, वहाँ पूरी की पूरी असॉल्ट राइफल सही सलामत पहुंच जाती है। अब UK से खबर आई है, वेस्ट यॉर्कशायर में जॉर्ज नाम के एक कुत्ते ने किसी की जान बचाई। किसी की कहाँ, अपनी खुद की जान बचाई। कोई घर पर नहीं था जब खेलते हुए जॉर्ज पर पुराना लैंडलाइन टेलीफोन जो है वो गिर गया और टेलीफोन वायर उनके गले को दबाने लगी। इस बीच 2 साल का बैसेट हाउंड जॉर्ज, उसने क्या किया सुनिए। उसने खुद फोन पर 999 डायल किया और 10 मिनट के अंदर इमरजेंसी सर्विसेज ने घर का दरवाजा तोड़कर जॉर्ज के गले से टेलीफोन वायर निकालकर जॉर्ज को बचा लिया। मुझे लगता है कि अगर ऐसे कुत्ते 2-4 शब्द भी बोल लेते ना तो यहां इंडिया में कॉल सेंटर सुपरवाइजर बना दिया जाता। वैसे जॉर्ज के मालिक उनसे बहुत खुश है और वो उस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि जब जॉर्ज खुद अपने लिए पिज्जा ऑर्डर कर सके। और जब जॉर्ज से पूछा गया कि वो इतने स्मार्ट कैसे हैं तो उन्होंने शर्माते हुए कबूल किया कि वो सूरज बरियादिया की फिल्में देखते हैं। वो क्या टोफू टोबू वो जो होते कुत्ते होते हैं, क्या नाम होता है कुत्तों का? वियर्ड नेम्स यार। टफी टफी। हाँ, और नेपाल में एक आदमी ने सांप को काट खाया। जी हाँ, हमारे एक नेपाली किसान भाई साहब अपने दोपहर की नींद पूरी कर रहे थे जब एक सांप ने उनको आफ्टरनून सरप्राइज के बहाने डस दिया। इस बहादुर इंसान ने, बहादुर मतलब वो नेपाल के है इसीलिए बहादुर नहीं बोल रहा हूं मैं, इस बहादुर इंसान ने लाठी या चप्पल से मारने के बजाय सांप को जोर से काटा और सांप मर गया। नो दैट्स समथिंग टेरिफिक, यू नो। सांप ने बोला होगा ए फाउल है, ये फाउल है, साला नया रूल कब आया इस गेम में, अब तो बैंचो सिर्फ हम लोगों को काटने का हक था, ये क्या काट रहा है हमको। ममता दीदी ने कहा देखा हम पहले से ही नहीं बोलता था, माओइस्ट लोग खतरनाक होता है, साला नेपाल में माओइस्ट पार्टी चुनाव जीता है, तब से देखो लोग में जहर भर गया है। तो ये थी दुनिया भर की अजीबो गरीब न्यूज, नाउ बैक टू अवर गरीब कंट्री की अजीब न्यूज। हाँ, पिछले दिनों मुंबई में रायट्स को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने SMS पर कंट्रोल लगा दिया, इसके चलते आप एक दिन में 5 SMS से ज्यादा नहीं भेज सकते थे। इस बैन से टीनेजर्स इतने नाराज हो गए थे कि वो इस SMS
बैन के कारण ही रायट्स करने वाले थे। और हम सब ने रायट्स और दंगे वाली इतनी फिल्में देखी हैं। इन विच फिल्म डिड द क्रिमिनल सेंड SMS टू हिज फ्रेंड्स? हर फिल्म में दिखाते हैं कि एक गरीब बच्चा दौड़ते दौड़ते अपने झोपड़पट्टी में जाता है और चिल्लाता है, ए चंदू, शकील के भाई ने तेरे बाप को उड़ा दिया। और फिर 50 आदमी एक साथ तलवार चाकू बंदूक लेकर निकलते हैं दंगा करने। तो SMS कहां से आ गया बीच में? आपने कभी किसी विलन को SMS करते देखा है? जैसे ऐसे, हाय गाइज, हाउ आर यू, लेट्स मीट फॉर डिनर टुनाइट एट वो वाला एट द रेट ऑफ वाला एट आजाद मैदान BYOB, ब्रिंग योर ओन बंदूक, LOL, प्लीज RSVP एंड फॉरवर्ड दिस SMS टू 5 फ्रेंड्स, अदरवाइज You will have bad luck till next life. और अगर ये लोग इतनी टेक्स आई है तो SMS बैन करने से क्या होगा? They can also use Facebook, Twitter वगैरह वगैरह ना, कि मतलब जमाल invited you to the event, the burning of a best bus at Azad Maidan. Click attending. और पता है कपल्स को कितनी प्रॉब्लम हुई इस बैन के कारण? हाँ, फॉर एग्जाम्पल लड़का, आई हेट यू, गर्ल, आई हेट यू टू, लड़का, आई कांट बिलीव यू चीटेड ऑन मी, गर्ल, आई कांट बिलीव यू डिड नॉट पे फॉर माय डिनर। बाद में लड़का रियलाइज करता है, लड़की को फोन लगाता है, अच्छा डार्लिंग आज की SMS लिमिट खत्म हो गई है, बाकी का झगड़ा कल कंटिन्यू करेंगे, ओके, लव यू, गुड नाइट। अब वक्त आ गया है मिलने मेरी तूफानी फैमिली से, प्लीज वेलकम मम्मी डैडी एंड मोनिशा, यानी कि सतीशा, रत्ना पाठक शाह एंड रूपाली। ये ढेर सारी मस्ती होगी इस मैड फैमिली के साथ, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ सतीशा, रत्ना पाठक शाह, मेरे सीरियल के मम्मी पापा, मामा, मॉम एंड डैड। लेकिन रूपाली नहीं आई, खुश हो गई थी। अरे यार, ऐसे कैसे, मतलब रूपाली नहीं है तो फिर नहीं, नहीं, रूपाली आएगी, मगर जब तक वो नहीं आती तब तक कुछ इंटरेस्टिंग बातें कर लेना। इंटरेस्टिंग बातें हो तो तुम ही करोगे उसके बारे में। नहीं, और वो रूपाली तो चाहिए ना, क्योंकि फाइनली इंस्पिरेशन हमें मिलेगी। हमारे जो बैंड वाले हैं वो भी देखो कितने मायूस बैठे हैं। एब्सोल्युटली, हां, उनके लिए भी, आई मीन एब्सोल्युटली शी इज नेसेसरी, लेट्स गेट हर हियर, या शुड बी, इंतजार की घड़ियां खत्म हो रही है आपकी, वो आ जाएगी। मैंने सुना है कि रूपाली जो है उसने साइकिल खरीदी है। साइकिल? हाँ। यू मीन वहां से वर्ली से साइकिल पे आने वाली है यहाँ? हाँ, वर्ली से साइकिल पे आने वाली है। और सतीश काका बता रहे थे कि वो गलती से जो है वो बैंड्रा वर्ली सीलिंग पे भी गई थी। हाँ, और उसको पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस ने तो मेरा ये ख्याल है कि अगर वो गाड़ी में भी आती तो पुलिस पकड़ लेती। लेकिन रूपाली के बगैर ये, सॉरी, रूपाली के बगैर ये नहीं हो सकता। रूपाली? Yes. मैं रूपाली, तुमने मेकअप क्यों नहीं किया? इसीलिए हम डर गए। अच्छा रूपाली, बाय द वे बताओ क्या हो रहा है आजकल लाइफ में तुम्हारे? साइकिल के अलावा। अच्छा, साइकिल क्यों खरीदी? साइकिल खरीदी क्योंकि पेट्रोल प्राइसेस इतने ज्यादा बढ़ गए, तो मैंने सोचा कि दही से रोज शूटिंग करने जाती हूँ तो अब साइकिल पे जाऊंगी। एक्सरसाइज की एक्सरसाइज हो जाएगी, जिम में पैसे कौन वेस्ट करे? हाँ, मगर तुम्हारे पैसे पेट्रोल के तो प्रोड्यूसर देता होगा ना। हाँ, लेकिन क्या उसमें भी अंदर की बातें मत करिया करो। हम लोग यहाँ पर हमारे और एक सदस्य को बहुत मिस कर रहे हैं। हाँ। हाँ। जो कि मेरा छोटा भाई, मामा का फेवरेट लड़का,
और डैड का भी. अच्छा ये तो हंस रहे हैं. नहीं तो रोसेश आज हमारे बीच नहीं है. बीच रोसेश आज हमारे बीच नहीं है तो मौन रखते हैं. मौन व्रत. गुजर गए रोसेश बाबा 20 साल जी लिए यहाँ शौक से कीजिए जी उनकी शोक शबा. गुजर गए नहीं सॉरी सॉरी गुजर नहीं गए हैं गोवा गए रोसेश बाबा 20 साल सता लिया मुझे. यस हमारा जो रोसेश है वो पैसे कमाने के लिए गोवा चला गया है. पैसे कमाने के लिए मतलब शूटिंग करने गया है. आप हाँ हम मिस यू रोसेश. या वी ऑल मिस यू रोसेश. ओके कमिंग बैक टू द शो. पेट्रोल प्राइसेस बढ़ गई हैं तो क्या है मॉम व्हाट डू यू थिंक. Well, some we've got to bite the bullet at some point, don't we? Mm-hmm. लोगों ने गाड़ियाँ बेच के बुलेट खरीद ली है. That's true. But the bullet is a beautiful bike. But yeah, it's मैं तो साइकिल ले ली, because मुझे बाइक चलाने नहीं आती. सही है. और इसमें आप अपना नहीं, पब्लिक का फायदा देख रही हो. क्यों? का फायदा क्यों? ये बाइसिकल चलाएगी, I mean ये अगर मोटरसाइकिल चलाएगी तो हाल क्या होगा जो लोग रास्ते पे चल रहे हैं. अभी तो बेचारी खुद ही का कुछ हाल ना हो जाए. लूना तो लूना पूछ रही हो या बता रही हो. लूना लेकिन फिर मुझे वो भी नहीं चलाने आता तो फिर मैंने नहीं दी, मैंने साइकिल ही ले ली. तो ड्राइवर रखती ना लूना के लिए. मैं दर्शकों को बता दूं कि इसके पास 21 कुत्ते हैं. राइट. एक मुर्गा है. यस. नहीं नहीं मुर्गा मुर्गी दोनों है, गब्बर और मुन्नी. अच्छा. और गधा भी है. सोलो. अरे वाह. सोलो. हमारी तो मेनेजरी पर एक गधा है ऑलरेडी, एक गधी है. आप सोच सकते हैं कि ये कितनी बड़ी एनिमल. ये देखिए एनिमल लवर है. मतलब सतीश काका के यहाँ भी कुत्ते हैं. बट मैं सोच रहा हूँ कितनी हद तक उसे मैं बचाऊँ. मगर ये खुद जो बोले जा रही तो मैं कुछ नहीं कर सकता. मैं निहत्ता हो चुका हूँ. सतीश काका बताएंगे क्या हो रहा है आजकल सर आपके साथ. आजकल कुछ नहीं हो रहा है. चक्कर ये है कि पेट्रोल का भाव इतना बढ़ गया उसके गम में, और ऊपर से एक आमिर खान का शो चल रहा है वो देख रहे हैं. इतनी मायूसी होती है देख देख के कि आई हिट द बॉटल इन अ बिग वे. इज इट द बॉटल. और पता चला कि उस पर भी एक्साइज बढ़ गया. तो समझ में नहीं आता है लाइफ में करें तो करें क्या. सारी चीजें अब एक साइज बड़ी लेनी पड़ेगी. मुझे तो वैसे भी कपड़े एक साइज बड़े लेने पड़ते. ओके मॉम व्हाट्स हैपनिंग विद यू. नॉट मच एक्सेप्ट अ न्यू प्ले एज यूजुअल. मेरे तो नाटक ही चलते रहते. सो वी आर वर्किंग ऑन अ न्यू प्ले कॉल्ड अ वॉक इन द वुड्स. आवर कंपनी मॉटली इज डूइंग दिस इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट. आई एम नॉट एक्टिंग बट आई एम डायरेक्टिंग. क्या बात है. मुझे अभी भी वो दिन याद आते हैं जब हम लोग साथ में इकट्ठा बैठकर हम लोग खाना खाते थे और डब्बे जो खुलते थे. क्या बात है. रत्ना के घर से ये बड़े बड़े डब्बे. अरे नहीं साइज देखो अपनी साइज के हिसाब से इंसान लाएगा कि नहीं खाना. ये बड़े बड़े डब्बे. ये दिस इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अ कॉस्मोपॉलिटन फैमिली. मतलब मैं साउथ इंडियन, ये दोनों गुजराती हैं, वो बंगाली महाराष्ट्रियन हैं, हमारा जो रोसेश है वो बिहारी है. तो मतलब एक कमाल का जो अच्छा यूपी है. हाँ यूपी वाला हमारा भी एंगल. पता नहीं कहाँ कहाँ के अलग अलग तरह का खाना आता था हमारे यहाँ. Her mom is a great cook. She used to send some wonderful stuff. His wife is a great cook. She used to send some wonderful stuff. I have a great cook at home. He used to send a wonderful quantity. That's my family, the mad family. Thanks a lot, guys. Thanks a lot talking to you. And thank mad you. Mad family का खिताब हमको इसकी वजह से मिला है. यहाँ पर लेते हैं पूर्ण विराम. ये थी मेरी मैड फैमिली. थैंक्स अ लॉट फैमिली. लव यू लव यू लव यू. जैसा कि आप देख रहे हैं इससे सुखी और पागल परिवार पूरी दुनिया में आपको नहीं मिलेगा. ब्रेक के उस पार है फुल टू मिडिल क्लास एडवाइस. कहीं मत जाना. मिलते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद. बजाओ. Giant.
अब हम मेरे मम्मी डैडी और बीवी से जानेंगे 10 तरीके मिडिल क्लास इंसान को पहचानने के। आइए, वेलकम बैक। अब रूपाली के साथ इतने वर्ष बिताने के बाद मैं मिडिल क्लास लोगों के बारे में जो समझी हूँ उसके आधार पर मैं आपको 10 तरीके बताऊंगी मिडिल क्लास इंसान को पहचानने के। नंबर टेन, होम डिलीवरी फूड के कंटेनर्स को किचन में रीयूज करना। नंबर 9, प्लास्टिक बैग्स। अगर हर मिडिल क्लास घर से प्लास्टिक बैग्स कलेक्ट की जाए और उनको फैला दिया जाए तो पूरा बांग्लादेश प्लास्टिक बैग से ढक जाएगा। इसलिए उनके कैपिटल को ढाका कहते हैं। शांत रहो बेटा। नंबर आठ, रेस्टोरेंट से टूथपिक्स और टिश्यू पेपर जरूर ले आना। होटल से मिनी एचे शैम्पू और सोप्स उठा लाना। नंबर सात, बच्चों की स्कूल की किताबों पर कवर्स चढ़ाना। पर कितना मजा आता था नहीं? हाँ, खासकर वो रद्दी न्यूज़पेपर्स के। नंबर छह, हाउसफुल टू पूरे परिवार के साथ देखना। एंड डोंट फॉरगेट द पॉपकॉर्न। नंबर फाइव, वॉशिंग मशीन में सुखाए कपड़ों को फिर से बालकनी की धूप में सुखाना ताकि हर घर पे वो तोरण लगे हों। और नीचे से पता चले अरे यहाँ पे रहते हैं। मेरे घर में ऐसा नहीं होता। नंबर फोर, हाँ, हनीमून के लिए शिमला जाना, रिटायरमेंट के बाद चार धाम जाना। मेरी बहन तो हनीमून के लिए चार धाम गई थी। आगे नंबर तीन, पानी पूरी खाने के बाद एक मसाला पूरी अपने जन्म सिद्ध। मसाला पूरी क्या होता है? वो सूखा पूरी, उसमें सिर्फ सेव डाल के देते हैं और पानी नहीं होता। छह पूरी के ऊपर एक पूरी फ्री होती है। पानी पूरी खाने के बाद एक मसाला पूरी अपना जन्म सिद्ध अधिकार समझ के मांगना। नंबर दो, फटे हुए पीले धब्बे वाले होल वाले बनियान और अंडरवेयर या पेटीकोट को घर में पोछा मारने के लिए यूज करना। ये फट जाए और भी तो उसको रुमाल बना लेना। नंबर वन, सोफे पे बैठकर टीवी पे आ रही हर चीज को गालियां दे। तो ये थी मेरी मिडिल क्लास फैमिली वैल्यूज। अगर आप भी मिडिल क्लास हैं तो शान से बिताइए अपनी जिंदगी सोफे पर बैठ के। मुझे दीजिए इजाजत, मैं भी आप ही की तरह घर बैठे बैठे टीवी देख के मोटा होना चाहता हूँ। गुड नाइट, जय हिंद।